Hello, guys. So today in this video, we are going to talk about a very special announcement or recruitment announcement. तो क्या है इस रिक्रूटमेंट में हम लोग देख लेते हैं. बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है. अगर आप BSc किए हैं फिजिक्स से तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. अगर आप MSc कर रहे हो तब भी ये जॉब आपके लिए रिलेटेबल है. ये जॉब निकला है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट AAI की तरफ से. रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, JE इन शॉर्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 5/2023. ठीक है. जनरल इन्फॉर्मेशन एंड वैकेंसीज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा ये गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाला गया है. और इसमें सबसे पहले चीज़ हम लोग देख लेते हैं, और ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, www.aai.aero. इस वेबसाइट पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. फिजिक्स ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिजिक्स BSc फिजिक्स एस्पिरेंट्स. तो पोस्ट का नाम देख सकते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. वैकेंसीज देखो 496, इतने ज़्यादा वैकेंसीज आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है, स्पेशली यू आर फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड. और इसमें और कुछ ब्रांच भी ऐड होंगे, दैट इज अनदर थिंग, बट स्टिल द वैकेंसीज आर वेरी ह्यूज. अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो जो वैकेंसी है वो है 199, EWS के लिए 49, OBC एंड के लिए 140, एंड SC ST के लिए 75 और 33. तो इसमें देखो क्या क्वालिफिकेशन क्या है. पहली बात तो ये कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, और एग्जामिनेशन ये नोट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ मिल जाने की उम्मीद है तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस. एंड इसके लिए आपको BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, बस फिजिक्स रहना काफ़ी नहीं है, फिजिक्स के साथ साथ अलाइड सब्जेक्ट में या फिर जो आपका साइड में सब्जेक्ट्स होता है उसमें मैथमेटिक्स रहना कंपलसरी है. ठीक है, तो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों चीज़ रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब है या ट्रैफिक कंट्रोल का जॉब है इसमें आपका फिजिक्स और मैथ के नॉलेज बराबर रहना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा और भी कौन लोग दे सकते हैं, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम. ठीक है, और क्या कैंडिडेट्स हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश, इंग्लिश आना चाहिए आपको, ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड. इंग्लिश आपका जज किया जाएगा, मैं अभी बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा. तो आपका जो डिग्री होगा BSc वो किसी भी रेगुलर रिकॉग्नाइज्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, आपका पासिंग मार्क्स रहना काफ़ी है. ऐसा नहीं कि 60% या 70% या 65% रहना जरूरी है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बस आपका पासिंग मार्क्स रहना ही जरूरी है. तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन भी करता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छा मार्क्स नहीं ले आ पाते, तो उनके लिए ये बहुत एक रिलैक्सिंग चीज़ है कि बस आपको पासिंग मार्क्स ले आना जरूरी है, उसके बाद आप अपेयर कर सकते हैं. अभी एज लिमिट देख सकते हो, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरीज के लिए आपका 27 ईयर्स, मैक्सिमम आपका 30th of November, ठीक है, 30th of November तक आपका एज इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, और ये एज रिलैक्स हो सकता है अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो ये आपका 5 साल एक्सटेंड होगा, तो 32 साल हो गया. OBC के लिए फिर 27+3 30 ईयर्स हो गया, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स तक रिलैक्सेशन है, मतलब अराउंड 37 ईयर्स तक आप इसको भर सकते हो. ठीक है, जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं AI के अंडर उसके लिए भी 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है. देखो इंपॉर्टेंट डेट्स के तरफ देख लेते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा आपका 1st of November से, और लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज 30th of November, एंड एवरीथिंग विल बी अनाउंस इन द वेबसाइट, AI वेबसाइट जो मैंने पहले बता चुका हूँ, www.aai.aero, इस वेबसाइट से आपको सारी जानकारी मिल जाएगा. और रेमुनरेशन की बात करें, मतलब आपका जो सैलरी, जो इनहैंड सैलरी मिलेगा, बहुत ही अच्छा सैलरी है आपका, CTC देख सकते हो पर एनम 13 लाख, मतलब आप मान के चलो 1 लाख पर मंथ आपको मिल ही जाएगा. तो बहुत ही हाई पे स्केल है, और ये जॉब भी काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा सा टेंस जॉब भी है, आप समझ सकते हो कि
एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जॉब है, तो पायलट के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। तो आपको इसके लिए बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और कंपटीशन बहुत ही हाई होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 496 बोल रहा हूँ, बट इसमें कैंडिडेट अपीयर भी बहुत लोग करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, चील की नज़र और बाजीराव की रफ्तार, ऐसा मान लो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत ही हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो हाई पेइंग जॉब है, मतलब 1 लाख पर मंथ बहुत ही हाई लेवल सैलरी है, तो मतलब बीएससी ग्रेजुएट के हिसाब से तो कंपटीशन तो हाई होगा ही। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ओनली इंडियन नेशनल ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो मैंने चीज़ बताया कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर, अगर आपका मार्क्स जो भी आपका रिजल्ट है वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते हुए तो अगर कंप्लीट आपको मिल जाता है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन 30th of November, ठीक है, कट ऑफ डेट। और ओबीसी सर्टिफिकेट आपको निकालना होगा 23-24 के फाइनेंशियल ईयर का, सिमिलरली ईडब्ल्यूएस भी निकालना पड़ेगा 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप रिजर्वेशन के लाभ लेना चाहते हो। तो एससी एसटी के लिए भी आप देख सकते हो, ये वाला नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम आईडी जो है वो है फिजिक्स हब 111। अगर आप इस आईडी पे सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखा है। तो मेन चीज़ आपका जो है, आपको क्या लगेगा, आपका फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए मैथ के साथ साथ, या फिर मैथ फिजिक्स के साथ साथ, तो मैथ और फिजिक्स ये दोनों चीज़ रहना होगा। आप ऑनर्स में हो पास में हो कोई मैटर नहीं करता, बस पास मार्क्स आपका आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखो बहुत इस सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसका आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद भी और कुछ कुछ प्रोसेस है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको मिलेगा, जैसे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा आपका, वॉइस टेस्ट होगा। वॉइस टेस्ट मतलब आप एक मूवी देखो ना धमाल में, आप इस वक्त जिस प्लेन में सफ़र कर रहे हैं वो, मतलब वो तो एक सैटायरिक वे में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका वॉइस टेस्ट करा जाएगा, ताकि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो क्लियर है कि नहीं, सामने वाला आपके लैंग्वेज समझ पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ लाइंस आपको दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है, वहाँ से आपका वॉइस टेस्ट हो जाएगा। साइकोटिक साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो ये सब में उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर लगते हो कि आप ठीक ठाक हो, रेगुलर नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, और तो ये सब चीज़ आपको उतना बाधा नहीं देगा। आपका अगर स्टैमर नहीं करते हो आप, तो ये सब चीज़ उतना आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये पूरा नोटिफिकेशन आप थॉरली पढ़ लो। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ, बट एज ए कैंडिडेट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द होल नोटिफिकेशन ईच टाइम व्हेन एवर यू अप्लाई फॉर एनी एग्जामिनेशन। रीड द नोटिफिकेशन वेरी केयरफुली बिकॉज एक आधा चीज़ मिस होने पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। मेरे साथ हुआ है एक बार हुआ है, मैं आपको बता दूँ कि इसलिए हुआ है कि ये मैं आपको सब शेयर कर ही देता हूँ। तो वहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा था, ठीक है, तो उसमें मैंने अपलोड कर दिया, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। फिर रीज़न ऑफ कैंसिलेशन क्या दे रहा है कि आप जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिए उसमें आप चश्मा पहने हो, चश्मा पहन के फ़ोटो अलाउड नहीं है। तो ये एक आध जगह पे रहता है, हर जगह पे नहीं रहता, तो आप इस ये सब चीज़ें बारीकी से देख लो कि क्या कंडीशन है, वो सब चीज़ देख लो। इसमें क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका ये सब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सब चीज़ कराया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। और एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आप किसी अनफेयर मीन्स का सहारा लेते हो तो आपके केस आपके ऊपर बहुत सारे चीज़ कराया जाएगा जो आपके फ्यूचर बर्बाद कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों को ना करें, वही बेहतर है।
कैसे अप्लाई करोगे, उस वेबसाइट में जाके अप्लाई करोगे, ठीक है। और फोटोग्राफ देखो, ये जो मैंने चीज़ बताया था, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर पिक्चर नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, ठीक है। मतलब अभी आप एक पिक्चर क्लिक करके उसका, अभी तो आजकल बहुत सारे AI वेबसाइट है, वहाँ से आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो। देखो, फोटोग्राफ इन कैप, टोपी पहन के नहीं कर सकते, हैट और डार्क ग्लासेस, हाँ ठीक है। मतलब काला चश्मा पहन के आप फोटो नहीं दे सकते, ठीक है, नॉर्मल आप दे सकते हो। रिलीजियस हेडवेयर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर द फेस, आपका फेस एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ बिटवीन 20 to 50 KB एंड डायमेंशन 200 to 230 pixels, ठीक है। ये फोटोशॉप में आप कर सकते हो, या फिर आप कुछ और चीज़ों से ये पिक्सल वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। और जो इमेज होगा, आप क्या करोगे, एक वाइट पेपर लोगे, उसमें ब्लैक इंक पॉइंट से आप अपना सिग्नेचर करोगे, ठीक है। ब्लैक इंक पॉइंट से आप अपना सिग्नेचर करोगे, मैं यहाँ पर रेड पे कर दिया, ब्लैक पे आपको करना है सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर साइज शुड बी बिटवीन 10 to 20 KB एंड 140 by 160 pixels, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फी थोड़ा सा हाई है, 1000 rupees, बट क्या कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन देखो, हर साल नहीं निकलता, बहुत गैप में निकलता है, कभी 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद ऐसा निकलता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, और बहुत सारे चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग जो नेट की तैयारी कर रहे हो, CSIR NET, उन लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होते होते आपका नवंबर निकल जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर के बाद ही होगा, दिसंबर तक आपका CSIR की एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अप्लाई कर दो, ठीक है। बट मेन फोकस आप CSIR पे रखो, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी अगर आप प्रिपेयर नहीं किए बिल्कुल भी, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे तब दैट इज़ ओके, यू मस्ट अप्लाई। अगर आप प्रिपेयर नहीं किए हैं, शुरू कर रहे हो, तब भी आप अप्लाई कर दो, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है। तो मेन फोकस आप CSIR नेट पे रखो, और जब ये नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तब इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसको मेन एग्ज़ाम की तरह मत लो, क्योंकि अगर शुरू कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा, मैं बता रहा हूँ आपके, इनफैक्ट नेट के एग्ज़ाम से भी हायर कंपटीशन होगा, ठीक है। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किए उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद इस वाले एग्ज़ाम के लिए सोचना। तो अप्लाई करके रख दो, 1000 rupees थोड़ा सा मे बी लॉस हो जाए, बट फिर भी। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हो, टोटल 150 marks का आपका एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है, 120 minutes रहेगा, और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो, 150 questions। और ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो गाइस, एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी नोटिफिकेशन लाइक दिस, प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड फॉर एनी कन्फ्यूजन क्वेरी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।